वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो फ्रेंड्स, मैं हूं नवीद और आप देख रहे हैं अनन के टेक। एंड फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सैमसंग के नए फ़ोन के बारे में, जो कि है सैमसंग गैलेक्सी A31। ये फ़ोन हाल ही में फ्रेंड्स इंडिया में लॉन्च किया गया है। बेसिकली ये फ़ोन जो था अनाउंस्ड हुआ था 24 मार्च 2020 को, और ये जो फ़ोन था रिलीज कर दिया गया था मार्केट में 27 अप्रैल को। सो चलिए इस फ़ोन के बारे में हम आज बात करेंगे, इसके स्पेसिफिकेशंस और इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रेंड्स। बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये फ़ोन सैमसंग गैलेक्सी A51 के जैसे ही दिखता है, तो आई टोटली डिसअग्री, क्योंकि सिर्फ बैक पोर्शन जो है वो सैमसंग गैलेक्सी A51 के जैसे दिखता है। रेस्ट ऑल दिस फोन इज़ टोटली डिफरेंट। इसकी स्क्रीन की बात कर लें, इसके इंटरनल्स की बात कर लें, या फिर इसके कैमरास की बात कर रहे हैं, तो डिज़ाइन वाइज और हार्डवेयर वाइज ये दोनों फ़ोन जो हैं टोटली डिफरेंट हैं। तो फ्रेंड्स, अगर इसके स्पेक्स की बात करें, तो हम फ़ोन में भी हमें सुपर एमोलेड की कैपेसिटिव टच स्क्रीन जो है देखने को मिल जाती है, और इसकी स्क्रीन का जो साइज़ है वो 6.4 इंचेस है, और इसकी जो रेजोल्यूशन है वो 1080p है, और जो पिक्सल्स हमें इस फ़ोन में देखने को मिल जाते हैं वो 411 हैं, और इसका ऑब्वियसली ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एंड्रॉयड 10 है, और वन यूआई का जो एक्सपीरियंस है 2.0 वो इसमें हमें देखने को मिलता है। और फ्रेंड्स, इस फ़ोन में हमें सैमसंग की वन यूआई 2.0 जो है वो देखने को मिलती है, और अगर इसकी इंटरनल मेमोरी की कॉन्फ़िगरेशंस की बात करें, तो इस फ़ोन में हमें 64GB विद 4GB रैम, 128GB विद 4GB रैम एंड 128GB विद 6GB रैम के वेरिएंट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। और फ्रेंड्स, इसके कैमरास की अभी हम बात करेंगे, तो जो रेयर पे हमें 4 कैमरास मिलते हैं, सबसे पहले जो हमें कैमरा मिलता है उस 48 मेगापिक्सल्स का है, जिसका अपर्चर 2.0 है, और ये एक वाइड सेंसर है। और जो दूसरा कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल्स का है, जिसका अपर्चर 2.2 है, और ये एक अल्ट्रा वाइड कैमरा है। और तीसरा जो कैमरा है वो 5 मेगापिक्सल्स का है, जिसका अपर्चर 2.4 है, मैक्रो है। और लास्ट पे जो कैमरा हमें मिलता है वो 5 मेगापिक्सल्स का है, वो 2.4 अपर्चर के साथ में हमें डेप्थ सेंसर जो है इस फ़ोन में देखने को मिलता है। बाकी के फीचर्स की अगर बात कर लें, तो LED फ्लैश हमें मिल जाती है, पैनारोमा और HDR की ऑप्शन है, और वीडियो रिकॉर्डिंग की जो इसकी ऑप्शन है वो रेयर कैमरा के साथ में हमें 1080p तक ही मिलती है, 4K नहीं है, और वो भी 30fps पे ही हम फुल HD रिकॉर्ड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर हम सेल्फी कैमरा की बात करें, तो वो है 20 मेगापिक्सल्स का, जिसका अपर्चर 2.2 है, और ये एक वाइड सेंसर है। और सेल्फी कैमरा से भी हम फुल HD 1080p 30fps पर इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, इस फ़ोन में हमें एक लाउड स्पीकर देखने को मिल जाता है, 3.5mm हेडफोन जैक, ब्लूटूथ 5.0, GPS की ऑप्शन है, NFC अवेलेबल है, USB 2.0, टाइप सी, और फिंगरप्रिंट रीडर अंडर द डिस्प्ले हमें मिल जाता है। और बैटरी जो है इसमें हमें नॉन रिमूवेबल 5000 mAh की बैटरी जो है इस फ़ोन में देखने को मिल जाती है, और फास्ट चार्जिंग जो है 15 watts तक इस फ़ोन में अवेलेबल है। और फ्रेंड्स, इस फ़ोन में हमें 4 किस्म के कलर जो हैं देखने को मिल जाते हैं, जिसमें ब्लैक, ब्लू, रेड और वाइट कलर अवेलेबल हैं। और फ्रेंड्स, अगर इस फ़ोन की प्राइसिंग की बात करें, तो इस फ़ोन की प्राइस जो है $240 के करीब है, तो वो आप अपने रीजन के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं कन्वर्ट करके। और मैं फिर से कहता हूँ कि रीजन टू रीजन इस फ़ोन की प्राइस जो है वो डिफरेंट हो सकती है, बट एट द टाइम ऑफ दिस वीडियो गोज आउट, इस फ़ोन की जो प्राइस है $240 में $240 है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इस फ़ोन के बारे में कि ये फ़ोन हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि ये फ़ोन अच्छा है, और डे टू डे रेगुलर टास्क में अच्छा परफॉर्म करेगा,
इवन दो इस फ़ोन में मीडियाटेक का प्रोसेसर यूज़ किया गया है, तो मैं कुछ ज़्यादा इस फ़ोन के बारे में कह नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं अगर आपको सजेस्ट करूँ तो अगर आप थोड़ा सा अपना बजट और इंक्रीज़ कर सकते हैं तो गो फॉर सैमसंग गैलेक्सी A51, क्योंकि उसमें हमें सैमसंग का ही जो प्रोसेसर है एक्सिनोस का वो देखने को मिलता है, जो तो बहुत अच्छा है। और बाकी ये फ़ोन भी अच्छा है, इफ़ यू हैव बजट गो फॉर इट। और इस वीडियो में फ्रेंड्स फ़िलहाल इतना ही, टेक केयर, बाय।